नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज जो हम बात करने वाले हैं बहुत सुंदर बात करने, वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा कि ऐसी ऐसी जानकारी जो है आप लोगों के पास में डायरेक्ट मिलती रहे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इस केले को आप लोग देखते होंगे, लेकिन केला जो है वो तीन प्रकार की होती है, जिससे जो अच्छा वाला केला होता है उसको खाना चाहिए, जो ख़राब केला होता है उसको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उससे तरह तरह की बीमारी होती है। अब पहले नंबर में अस्थमा वाले आदमी को तो केला नहीं खाना चाहिए, और जिन लोगों को अस्थमा नहीं है और 10 साल के बाद से इस केले को कम से कम साल में 20-25 बार खाते हैं, उनको कैंसर की बीमारी नहीं होती है। और जंडिस अगर आप लोगों को हो गई है तो केला का सब्जी और चना दाल उसमें मिला दीजिए, और चना दाल और इस केले को सब्जी के साथ बनाइए, तो आपको को जंडिस की बीमारी से तुरंत राहत मिलेगी। इसमें इतना गुण पाया जाता है। और आपको गर्म चीज़ का परहेज जो है वो करना पड़ेगा, जैसे कि अंडा हो गया, ज़्यादा तेल मसाला हो गया, ये सब चीज़ जो आप खाएंगे तो जैंडिस की बीमारी जो है वो तुरंत पकड़ लेगी। अगर आपको जैंडिस की बीमारी नहीं है, हाथ पांव में जलन नहीं है, प्रसूता की बीमारी नहीं है, अगर 5-6 अंडा जो आयोडीन नमक में डाल करके खा लेते हैं तो समझिए कि आपको प्रसूता की बीमारी तुरंत हो जाएगी। तो दोस्तों ऐसे ऐसी बीमारियों से बचना चाहते हैं तो आप लोग अपने शरीर पर जो है वो कंट्रोल करके जो है वो रहिएगा, और खान पान पे जरूर ध्यान दीजिएगा, नहीं तो तरह तरह की बीमारी होगी। जितना भी पैसा कमाएंगे वो सब बीमारी में खर्च हो जाएगा, और जितनी भी धन दौलत है वो बिक जाएगा, तो कुछ फ़ायदा नहीं होगी। दोस्तों आजकल जो है वो सब बीमारी में पैसा लगता है खान पान के जरिए, और गर्मी के मौसम में खिचड़ी जरूर खाना चाहिए, ये बात ध्यान में रखिएगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो की जानकारी चाहिए तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और केला जो है वो खूब खाइएगा। दोस्तों केला खाने से कैंसर की बीमारी नहीं होती, अतरी कैंसर जो है उसमें जो है वो बीमारी होती है तो समझिए कि वो नष्ट कर देता है, इसीलिए केला की सब्जी, लेकिन अच्छा वाला केला होना चाहिए। अपने घर के आसपास में अच्छा पेड़ पौधा लगाना चाहिए, और जो है केला कोई भी है तो उसमें 2-3 प्रकार की होती है तो अच्छा से अच्छा लगाना चाहिए। इसमें एक देखते हैं कि भूरा कलर वाला होता है, एक छोटी केला होता है हजारी केला। अगर दूध के साथ में आपको केला लेना है खाना है तो हजारी केला ही खाइएगा, उससे मोटापा बनता है, सेहत बनती है, और सेहत जो है वो सुंदर बन जाती है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी वीडियो की जानकारी चाहिए तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। माता दुर्गा जी की कृपा से आप लोग के घर में खुशियाँ हमेशा मिलती रहे, और आप लोगों के कमीनी में बरकत हमेशा माता जी देते रहें। थैंक यू दोस्तों, जहाँ भी रहें वहाँ बने रहें, मस्त रहें।